हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंतराल 0 से अनंत में वर्धमान तथा माइनस अनंत से 0 में ह्रासमान है। ये प्रूव करना है हमें। तो देखें, एफ एक्स दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा 2x। तो वर्धमान के लिए क्या करेंगे हम, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हो अर्थात 2x 0 से बड़ा हो, 2 से भाग दे दो, एक्स 0 से बड़ा हो। तो 0 से बड़ा मतलब 0, ये 0 है, इससे बड़ा इधर उधर का, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, 0 और इंफिनिटी के बीच में हो, ये तो वर्धमान हुआ। इसी तरीके से यदि हम ह्रासमान की बात करें तो ह्रासमान फलन के लिए डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग में क्या होता है, एफ डैश एक्स लेस देन 0 मतलब 2x लेस देन 0, एक्स 0 से छोटा हो, तो 0 से छोटा इधर आएगा, बड़ा उधर आता है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी 0, इसके लिए आसमान हो। और यदि आप ग्राफ से देखना चाहें तो ग्राफ से देख सकते हैं, ग्राफ से देखिए, ये आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो देखिए, ये इधर माइनस अनंत से 0 तक इसका ह्रास हो रहा है, आसमान है, ये वाला ह्रासमान है। और इधर बढ़ रहा है, इधर वृद्धिमान है या वर्धमान है, तो 0 से अनंत के लिए वर्धमान है और माइनस अनंत और 0 के बीच में ह्रासमान है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन यदि हम देखें तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है ए की पावर एक्स, एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स जो है उसमें ए आपको 0 और 1 के बीच में दिया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स और ए 0 और 1 के बीच में है, ह्रासमान है, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स इज डिक्रीजिंग, मतलब ह्रासमान है। तो इसका हल देखें, फलन ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ले रहे, मान लो आपने हाफ ले ली, तो क्या आ गया, ये 2 की पावर माइनस एक्स आया। अब इसका यदि अवकलन करें, ए की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ए की पावर एक्स का अवकलन होता है ए की पावर एक्स लॉग ए, ये होता है। तो इसका अवकलन यदि आप करोगे तो ये होगा 2 की पावर माइनस एक्स लॉग 2, और इस माइनस एक्स की वजह से माइनस हो रहा है, तो ये नेगेटिव और ये 2 की पावर माइनस एक्स हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू देता है, हर घात वाली चीज हो
चाहे वो 2 की पावर x हो, चाहे 2 की पावर माइनस x हो, चाहे 3 की पावर x हो, सब पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा और log 2 तो पॉजिटिव देगा ही देगा, तो माइनस नेगेटिव आ गया, यानी यानी एफ डैश एक्स 0 से छोटा है, तो छोटा है अर्थात अर्थात आसमान है, डिक्रीजिंग है, यही हमें प्रूव करना है सेकंड क्वेश्चन में। अगर आप क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स और एक्स की वैल्यू 0 और पाई बाई 2 के बीच में है, तो सिद्ध करना है कि ये वर्धमान फलन है। सिद्ध कीजिए अंतराल में वर्धमान फलन है। देखें जरा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जिस किसी को डिफरेंशिएशन आता है उसको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता है उसके लिए दिक्कत है। देखें तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, साइन एक्स नीचे, ऊपर आ जाएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, एफ डैश एक्स आ गया आपका कॉट एक्स। तो अब यदि एक्स की वैल्यू 0 और पाई बाई 2 हो, तो एक्स का मान 0 और पाई बाई 2 के बीच में हो, मतलब प्रथम चतुर्थांश हो, प्रथम चतुर्थांश में तो चाहे कॉट हो या जो भी हो सब धनात्मक ही देंगे, अर्थात एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, अतः फलन अंतराल 0 से पाई बाई 2 में वर्धमान होगा। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to π/2। यह तीसरा क्वेश्चन है। अब जरा चौथा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 में जो एफ एक्स दिया है, क्वेश्चन 4 में जो एफ एक्स दिया हुआ है एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स प्लस 1, ये दिया हुआ है और एक्स की वैल्यू है कोई 0 से पाई बाई 2 के बीच में। तो देखें सबसे पहले तो आपको अवकलन ही करना पड़ेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आपके पास कोई और उपाय नहीं है अवकलन के अलावा, अवकलन करके बस देखना होता है, यदि वैल्यू धनात्मक देता है तो वर्धमान है और ऋणात्मक देता है तो आसमान है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स क्या आएगा,
इसका आएगा 100 x की पावर 99 प्लस ये हो गया cos x। तो अब x की वैल्यू 0 और पाई बाई 2 के बीच में रखोगे तो cos x पॉजिटिव देगा, तो ये पॉजिटिव देगा, और ये भी 100 और ये 0 और पाई बाई 2 के बीच की वैल्यू जो भी होगी उसकी पावर 99, तो ये भी पॉजिटिव आएगा और प्लस ये भी पॉजिटिव, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव आएगा अर्थात 0 से बड़ा ही आएगा। अतः अंतराल 0 से पाई बाई 2 में फलन वर्धमान होगा, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से पाई बाई 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ये इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर फाइव में जो क्वेश्चन आपको दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू ई की पावर एक्स प्लस वन, और एक्स लेकिन 0 से बड़ा है, इसी के लिए ही हमें लेना है। तो देखें जरा, तो वही सबसे पहले आप क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, इसका हल देखें या सॉल्यूशन देखें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स निकाले तो क्या आएगा, ये दो फलन है तो इनमें गुणा वाला नियम लगेगा, तो एक्स माइनस वन पहला फलन ऐसा ही दूसरे का अवकलन, तो ये एक्स आ गया प्लस, अब दूसरा पहले का अवकलन प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ वन, तो क्या आएगा एक्स माइनस वन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स, इसका हो गया वन प्लस जीरो, तो क्या आया e की पावर x कॉमन x माइनस वन प्लस वन, ये कट गया तो x e की पावर x f डैश x आए। अब यदि x की वैल्यू 0 से ज्यादा हो तो x की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी मतलब पॉजिटिव हो, तो ये भी पॉजिटिव देगा और ये चर घातांक की तो पॉजिटिव देता ही देता है, तो दोनों धनात्मक धनात्मक का गुणा करोगे तो धनात्मक ही आएगा, अर्थात एफ डैश एक्स कैसा आएगा, अर्थात एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा, अतः एक्स 0 से बड़ा के लिए फलन वर्धमान होगा। सो
फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, यही हमें प्रूव करना है। तो सिंपल डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अब सिंपल डिफरेंशिएशन देखिए और जो अंतराल देखा है उस वैल्यू को उसमें रख के देख लीजिए, यदि वो धनात्मक देता है तो वर्धमान या वृद्धिमान है और यदि ऋणात्मक देता है तो वो फलन ह्रासमान है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, फलन दिया है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 1 और x बिलोंग्स टू R। तो क्या करें, वही डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स क्या आएगा, 3x² माइनस 12x प्लस 5, ये आएगा। तो क्या कॉमन, 3 कॉमन, x² माइनस 4x प्लस 4। इसको यदि हम करें तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गए। तो हमें पता है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर या तो 0 वैल्यू देगा, x का मान 2 होगा तो 0 देगा, अन्यथा 0 से ज्यादा ही देगा। ये जो वैल्यू है या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। जब ये वैल्यू होगी और इसकी वैल्यू है तो इसका मतलब क्या होगा, एफ डैश एक्स 0 या 0 से बड़ा होगा, मतलब फलन वर्धमान होगा। फलन एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए वर्धमान होगा। इंक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इस चीज को बस थोड़ा ध्यान दे लें और इसके अलावा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। आगे चलें, क्वेश्चन 7 देखें। एफ एक्स दिया है टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। इसमें क्या करें, पहले एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, क्या आएगा, एक्स के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर
एफ डैश एक्स क्या आएगा, इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का हो गया एक, इसका एलसीएम ले लें तो वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर मतलब वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इससे ये कट गया, एफ डैश एक्स आया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। यदि हम बात करें तो हर वन प्लस एक्स स्क्वायर ये तो हमेशा धनात्मक रहेगा, ये जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन इसके आगे माइनस हमेशा के लिए लगा है, तो यानी इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है जब एक्स का मान जीरो रखें तो जीरो होगी, अन्यथा कुछ भी रखें, मान लो एक रखें तो एक आएगा नीचे दो तो माइनस एक बटे दो आएगा, दो रखें तो चार बटे पांच आएगा माइनस के चार बटे, मतलब इसका मान जीरो आएगा या जीरो से कम आएगा, मतलब एफ डैश एक्स आपका जीरो है या जीरो से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः फलन x belongs to R के लिए सदैव आसमान रहेगा, डिक्रीजिंग फॉर आर, फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स के हर मान के लिए फलन आपका ह्रासमान ही होगा। चले आगे देखें, क्वेश्चन नंबर एट देखें, एफ एक्स इक्वल टू साइन की पावर फोर एक्स प्लस कॉस की पावर फोर एक्स और एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाय फोर, क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंपटीशन और बोर्ड दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो वही डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या आएगा देखें, अवकलन आना जरूरी है चैप्टर के लिए, एफ डैश एक्स इक्वल टू अवकलन में ये घात आ जाती है चार और ऊपर एक घात कम हो जाएगी तीन, क्योंकि एक्स की पावर एन वाला जो फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन, यहाँ पावर आ जाती है लेकिन वो x के लिए होता है, यहाँ साइन है तो साइन का अवकलन का गुणा और होगा, तो d ओवर dx साइन x प्लस ऐसे इसका करें चार आगे cos ऊपर एक कम रहेगी घात d ओवर dx cos x, तो क्या आएगा
फोर साइन क्यू एक्स, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, माइनस फोर कॉस क्यू एक्स और कॉस एक्स का होगा साइन एक्स, तो क्या कॉमन, फोर साइन एक्स कॉमन, कॉस एक्स कॉमन, फिर बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आया, माइनस कॉमन ले लें तो फोर साइन एक्स कॉस एक्स, ब्रैकेट में बचा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आया। अब जरा इसको देखें, तो माइनस फोर साइन एक्स कॉस एक्स और ये हो गया आपका कॉस टू एक्स। अब इसको थोड़ा आगे और करें सॉल्व, एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस, दो अलग कर दो, टू साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स, तो माइनस टू ये आपका साइन टू एक्स है और ये है कॉस टू एक्स, फिर से इसमें फॉर्मूला लगाएं तो ये हो गया साइन फोर एक्स, ये आ गया। तो अब इसमें x की वैल्यू दी हुई है जीरो से पाई बाई फोर, x की वैल्यू है जीरो से पाई बाई फोर, x आपका जीरो से पाई बाई फोर है, आपका तो फोर एक्स है तो चार का गुणा कर दो, तो ये वैल्यू और इसका साइन ले लें, तो साइन फोर एक्स, साइन पाई कितना होता है जीरो, यानी कहने का मतलब ये हुआ इस पोर्शन के लिए साइन फोर एक्स आपका पॉजिटिव ही आएगा, क्यों, क्योंकि जीरो से पाई फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट है, इसका मतलब साइन फोर एक्स जो है आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब जरा इसमें रखें वापस, वापस वैल्यू रखें, एफ डैश एक्स कैसा आया, ये पॉजिटिव देगा लेकिन आगे तो नेगेटिव लगाए हमेशा के लिए, एफ डैश एक्स नेगेटिव है अर्थात जीरो से छोटा है, अतः एक्स जीरो से पाई बाई फोर के लिए फलन आसमान होगा, फंक्शन एज डिक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू फाइव फाइव, यही हमको सिद्ध भी करना है, ठीक है। अब आगे के लिए होमवर्क है, इस तरीके से हमारे साथ क्वेश्चन सिंपली केवल और केवल अवकलन करने से ही सिंपल अवकलन आता हो, हल्की फुल्की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आते हो तो आपका हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आज का होमवर्क है एफ एक्स इक्वल टू
नाइन एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 में वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन वर्धमान हो भी आसमान हो। फाइंड इंटरवल फॉर विच फंक्शन 9x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 5 इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को बार बार देखते रहें।